वेलकम बैक। सबसे पहले लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पुचीज एंड वर्चुअल हग्स टू यू गाइस। वी आर अ फैमिली ऑफ 100,000 पीपल नाउ। ओह माय गॉड। सो आई थॉट इसी खुशी में मैं आज की वीडियो लेके आई हूँ। इंडियन आयुर्वेदा का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है इस दुनिया में। फैक्ट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारी ज्यादातर स्किन के प्रॉब्लम नेचुरल इंग्रीडियंट्स और हर्ब से ठीक हो सकती है। एंड इसीलिए मैं आपके लिए आज की वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में हम होम रेमेडीज फॉलो करेंगे इजीली घर पे अवेलेबल चीजों के साथ। हम इन सभी रेमेडीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। आई हैव मेड श्योर कि सारे इंग्रेडिएंट्स सबके पास इजीली अवेलेबल हो। सबसे पहले हेयर आउट ऑफ द वे, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ मेरे फेस पैक पे मेरे बाल अटके। एंड मेक श्योर आप क्लीन फेस के साथ स्टार्ट करें। तो हमारा पहला स्टेप है फेस क्लेंजिंग। सबसे पहले स्टेप के लिए हम लेंगे रॉ मिल्क एंड सैंडलवुड पाउडर। नाउ सैंडलवुड पाउडर ऑप्शनल है, आप सिर्फ रॉ मिल्क भी यूज कर सकते हैं। एक नॉर्मल कॉटन पैड लें, उसे इस मिक्सचर में अच्छे से सोक करें एंड उसके बाद इसे अपने फेस को क्लेंस करें। रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध, इसमें लैक्टिक एसिड होता है जिसकी की माइल्ड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज स्किन के ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन को रिवील करती है। ये सैचुरेटेड फैट, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी में बहुत रिच होता है। सैंडलवुड यानी चंदन पाउडर, इसमें होती है बहुत सारी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज जो की प्रिवेंट करती है पिम्पल्स, एक्ने और सोर्स। सैंडलवुड यानी चंदन पाउडर एक बहुत ही पुराना आयुर्वेदिक रेमेडी है जो हेल्प करता है हमारी पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में। बहुत जेंटल प्रेशर के साथ आप इसे अपनी स्किन पे एक्सफोलिएट भी कर सकते हैं। अब हम लेंगे क्लीन कॉटन पैड और उससे अपने फेस को साफ करेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपका फेस अच्छे से साफ हो जाए। कमिंग टू द सेकंड स्टेप व्हिच इज स्टीमिंग। स्टीमिंग के बहुत बेनिफिट्स हैं। ये प्रमोट करता है सर्कुलेशन। स्टीमिंग से फेशियल पोर्स ओपन होते हैं जिससे कि रिलीज ऑफ डेड स्किन सेल्स और बैक्टीरिया बहुत आसान हो जाता है। मैं जनरली 2-3 मिनट ही स्टीम करती हूँ, मुझे ये बहुत ज्यादा गर्म लगता है। अगर आप चाहें तो 5-7 मिनट्स भी आप स्टीम कर सकते हैं। स्टीमिंग से जो ट्रैप्ड सीबम होता है वो भी रिलीज होता है। अब बट नेचुरली अगर हमारे पोर्स ओपन होंगे तो ब्लैकहेड्स भी इजिली रिमूव हो जाएंगे। थर्ड स्टेप है फेस एक्सफोलिएशन। स्टीमिंग के बाद हम हमेशा एक्सफोलिएट करते हैं, इससे हमारे डेड स्किन सेल्स के साथ साथ ब्लैकहेड्स भी रिमूव हो जाते हैं। इसकी स्मेल अमेजिंग है। सो इसके लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून ग्राउंड कॉफी, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल एंड 1 टीस्पून हनी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे एंड इसको यूज करेंगे एज एन एक्सफोलिएटर। तो अब थोड़ी गीली स्किन के ऊपर ही इसे यूज करें। कॉफी में प्रेजेंट कैफीन हमारी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। कॉफी में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ये हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। सो इससे हमारी स्किन यंग लगती है एंड ऑल्सो ये कोलेजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। इसमें प्रेजेंट कोकोनट ऑयल हमारी प्रीमेच्योर एजिंग को प्रिवेंट करता है और हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल रखता है। इस एक्सफोलिएटर में हमने हनी भी डाला है। हनी हेल्प करता है हमारे ब्लेमिशेस को फेड करने में एंड इसमें भी बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। वेट स्किन के ऊपर आपको स्क्रब लगाना है और उसके बाद अपनी फिंगर टिप्स से जेंटली एक्सफोलिएट करना है। अब क्योंकि स्क्रब के अंदर कॉफी है जो कि पफिनेस एंड अंडर आईज के लिए बहुत ही अच्छा है, आप अपनी अंडर आई एरिया को डेफिनेटली इससे मसाज करें, बट प्लीज मेक श्योर कि आपका हाथों का प्रेशर बहुत ही जेंटल हो। जरूरत पड़ने पर आप पानी से अपनी फिंगर टिप्स को गीला करके उसे सर्कुलर मोशन के अंदर स्क्रब कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी स्किन को खींचेगा नहीं एंड आप इजीली अपनी स्किन को एक माइल्ड एक्सफोलिएशन दे पाएंगे। मैं जनरली फोकस करती हूँ अपने ब्लैकहेड्स पर। स्क्रब करने के बाद हमें करना है फेस वॉश। इसे करते ही आपकी स्किन काफी ज्यादा साफ लगेगी। अच्छे से पैड ड्राई करने के बाद हम रेडी हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे यूज करेंगे एज अ फेस पैक। बेसन का काम है हमारी स्किन को क्लीन एंड ब्राइट बनाना।
ये एक बहुत ही अच्छा क्लेंजिंग एजेंट है। इसके फायदे अब मैं कितने बताऊं उतने कम है, एंड इसी वजह से ये मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, वेल एक्चुअली दूसरा फेवरेट, बिकॉज मेरा पहला फेवरेट इंग्रेडिएंट है हल्दी, द मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट फॉर स्किन। इसके अंदर होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन में होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। ये हमारी स्किन में बूस्ट करता है कोलेजन प्रोडक्शन। हल्दी फॉर स्किन केयर इज लाइक अ मस्ट मस्ट। अब कुछ 15 टू 20 मिनट्स जब तक ये सूखता है हमें अपना टाइम पास करना है, एंड मैं मिलती हूँ आपको आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स। बाय। ओके, आई एम बैक। 15 टू 20 मिनट्स हो चुके हैं एंड मेरा पैक भी सूख चुका है, तो अब हम इसे साफ करेंगे। साफ करने के लिए हमें धीरे धीरे पानी लेना है और उसे सर्कुलर मोशन में इसे साफ करना है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद दिस फेस मास्क, बिकॉज इसे निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एंड अगर आप सेक्शंस के अंदर इसे साफ करेंगे तो वो बेटर है। एंड आई एम बैक। आई विश ये इतना ईजी होता साफ करना जितना ये ट्रांजिशन में दिख रहा है, बट हाँ, अब हम अपनी स्किन को पैट ड्राई करेंगे एंड देखेंगे कि इस पैक ने हमारी स्किन को कितना सॉफ्ट कर दिया है। On to our next step, which is icing. ये मेरा फेवरेट स्टेप है, बिकॉज आपको अपनी फेस को सर्कुलर मोशन पे अच्छे से मसाज करना है। आई लुक सुपर फनी, एंड या गाइज बाय द वे, इससे आपकी स्किन थोड़ी रेड हो जाएगी, बट दैट इज टोटली नॉर्मल। इस मसाज करने के बाद हम यूज करेंगे एलोवेरा जेल। अब अगर आपको एलो जेल सूट नहीं करता तो अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर लगा के आप इसे यहीं पे एंड कर सकते हैं, बट क्योंकि आई लव एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल का काम होता है हील और रिजुविनेट करने का, तो मैं एक अच्छी सी लेयर अपनी पूरी फेस पे लगा लूंगी। ये मेरी स्किन को अच्छे से सूद करेगा और बहुत ही अच्छा कूलिंग इफेक्ट देगा आफ्टर आइसिंग। एंड अब मैं फिर से आइसिंग रिपीट करूंगी ऑन दिस मास्क। ओके, दिस माइट साउंड अ बिट वियर्ड, बट ये आपकी स्किन को इतना सूद करेगा एंड एट द सेम टाइम ये पोर्स को मिनिमाइज करने में भी हेल्प करेगा। आइसिंग रिपीट करने के बाद आप चाहें तो आप नॉर्मल फेस वॉश कर सकते हैं। इसके बाद हम गोना गो इन विद द टोनर। टोनर का काम है पीएच लेवल्स को बैलेंस करने का। स्टेप इज फेशियल मसाज, तो अपना फेवरेट सीरम या फेशियल ऑयल ले सकते हैं। अपने हैंड्स को अच्छे से ग्रीस करने के बाद आप इसे अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने हैंड से अच्छे से अपने फेस को मसाज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गुआशा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास गुआशा नहीं है तो आप अपने स्पून्स को फ्रिज के अंदर रख के इसे ठंडा करके अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है अगर आपको डी पफिंग करनी है, अपने स्किन से एक्सेस फ्लूइड्स को हटाना है। एक चीज़ जो फेस मसाज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होता है हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए फेस मसाज पे तो वो भी मैं आपके लिए बना सकती हूँ। ये रिलैक्स करता है आपके टेंशन मसल्स को एंड आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स फील करती है। एंड दिस कंप्लीट्स माय वीडियो फॉर टुडे। लाइक करना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।